हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूचुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने जैसे कि अपना लास्ट वेस्टर्न आर्ट का टॉपिक किया था एक्सप्रेशनिज्म, तो एक्सप्रेशनिज्म में मैंने आपको लास्ट में बोला था कि कुछ रह गया है, जो कुछ एक दो ग्रुप उस समय एसोसिएट हुए थे वो रह गए, जो थोड़ा सा उसी तर्ज पे चले थे। तो वो आज हम न्यू ऑब्जेक्टिविटी ग्रुप, उसका आर्टिस्ट ब्लू राइडर ये देखेंगे। ब्लू राइडर तो देख चुके थे, है ना, फोर ब्लू वाला देखेंगे आज, ठीक है। तो उससे पहले आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक सामने दिख रहा होगा, प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन करो ताकि आप लोग अपने नेट प्रिपरेशन और एनी आर्ट एग्जाम प्रिपरेशन उस पर सक्सीड हो सको, ठीक है। बाकी जो अभी लेटेस्ट वीडियोस हैं प्लीज उसे चेक कर लेना। अगर 2022 का एग्जाम ये वाला देने वाले हो नेट का, तो आप जरूर उसको चेक कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, एक्सप्रेशनिज्म देख लिया था हमने, मन की अभिव्यक्ति, एंग्विश, एंगर, गुस्सा, जो भी अंदर से जितना भी एक तरह से डिप्रेशन और सब ये बोलेंगे ना, वो सब चीजें जो पेंटिंग के माध्यम से निकलवाई थी। इनके मेन आर्टिस्ट हमने एडवर्ड मंक देखा, है ना, तो ये सारे आर्टिस्ट के साथ हमने वो देख लिया था। ये किंडिस्की वगैरह भी देख चुके हैं हम लोग, पॉल क्ली देख चुके हैं, ठीक है। तो ये उन्हीं ने मिलके, जैसे कि ब्लू राइडर था, किंडिस्की ने और फ्रांस मार्क ने मिलके बनाया था, हमने बात की। तो पॉल क्ली ने भी एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था फोर नीला दल, मतलब द ब्लू फोर डायब्ल्यू वियर। अगर इस तरह का कोई भी नाम आता है और बोलते हैं कि ये किस थीम से एसोसिएट था या कौन इससे कनेक्टेड थे, तो इसलिए बस आपको बोला है। 1924 में जर्मनी में इसका इसको हुआ था। इसके चार कौन कौन से आर्टिस्ट थे बहुत अच्छे से, फ्रांस मार्क इसमें नहीं थे, इसमें किंडिस्की थे, इसमें पॉल क्ली थे, इसमें फेंजियर थे और जोलेंस्की थे। तो कौन कौन थे आप देख सकते हो, ये लिखा है किंडिस्की, पॉल क्ली, फेनिंजिनर और जोलेंस्की। स्थापना पॉल क्ली ने की थी और ये ब्लू राइडर ग्रुप जो था वो ही खत्म हो चुका था, है ना, उसी का सक्सेसर था, मतलब कि उसी का उत्तराधिकारी बोलेंगे, उसी को आगे उसी थीम पे आगे बेस जो कि इनने आगे काम किया था, ठीक है। तो यही आर्टिस्ट थे, ऐसा कोई ज्यादा उसमें बताने का नहीं। अब न्यू ऑब्जेक्टिविटी क्या थी उसको अपन देख लेते हैं, जिसको कहते हैं नवीन वस्तुवाद। ये भी जर्मनिस्ट आर्टिस्ट, तो कितनी बार आ जाएगा नवीन वस्तुवाद, कहाँ से एसोसिएट था, किधर से स्टार्ट था, तो जर्मन आर्टिस्ट, जर्मनी से हुआ था वो भी स्टार्ट, और जर्मन आर्टिस्ट थे। जर्मन कलाकार युद्ध की विपक्षी, देखो ये जो टाइम था ना, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद का टाइम था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की, ये देखो, है ना, 1925 में एग्जीबिशन हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का 1923 और अप्रॉक्स उसी का था, है ना। तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से जितने लोग इफेक्ट थे, जो उनका जो प्रभाव था उसके उस पर ये ग्रुप फॉर्म हुआ था, और फिर आगे इन लोगों ने उस तरह का उस वे में पेंटिंग किया था। तो उस समय जर्मन के जो कलाकार थे युद्ध की विपक्षा को बड़ा निराशापूर्ण चित्रण कर रहे थे। यहाँ वस्तुओं के पूर्णतः तत्कालिक रूप तथा स्थितियों का आदर्श विहीन चित्रण किया गया था, मतलब जो उनका फॉर्म है, जो सिचुएशंस थी, उसका बहुत अच्छे तरीके से आइडियल फॉर्म में इन्हें डिपिक्ट किया था। इसका प्रभाव अति यथार्थवाद में देखा। आगे जाके जो हम श्योरिलिज्म देखेंगे, जो ड्रीम पे बेस है, ठीक है, जो ड्रीम पे, और हम अभी आपको, मैं जब मैक्स बेकमैन और इन सब के काम बताऊंगी, ऑटोडिक्स इनके, तो आपको समझ आएगा कि कैसे, हाँ, इसका थोड़ा सा रिजेम्बलेंस श्योरलिज्म से भी दिखता है। तो श्योरलिज्म से ऐसे दिखता है कि आगे इसका थोड़ा प्रभाव उनने जो भी इससे इंस्पिरेशन लिया था, ठीक है, क्योंकि एक इमेजिनेशन वाली चीज भी इसमें जुड़ जाती है। इन्हें आकृतियों का यथार्थवादी चित्रण किया है ना, रियलिस्टिक डिपिक्ट, ये जो आकृति आगे देखेंगे, युद्ध से पीड़ित वर्गों का चित्रण। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कभी भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट या युद्ध से पीड़ित उनका चित्रण, है ना, जो याद है आपको कि स्पैनिश वर्ल्ड वॉर के लिए अपन ने, उसमें वो क्वेश्चन भी आ गया था एक बार नेट में कि जो आपकी ग्वार्निका है पेब्लो पिकासो द्वारा, तो इसमें कौन से युद्ध का ये हुआ था, है ना। तो वैसे ही न्यू ऑब्जेक्टिविटी से भी रिलेटेड, तो वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट सा रिलेशन है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो उसके जो भी पीड़ित वर्ग हैं उसका चित्रण किया है। 1925 में जर्मनी में इन्हें अपनी फर्स्ट प्रदर्शनी की थी न्यू ऑब्जेक्टिविटी। इनका मेन आर्टिस्ट जो है वो है मैक्स बेकमैन, ठीक है, मैक्स बेकमैन, ये जो है, इन्हें सर्कस के पात्रों के माध्यम से मानव जीवन की द्वंद्वात्मक, मतलब जो ड्यूअल सिचुएशंस हैं, उसको शो किया है विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ सर्कस। सर्कस क्रीक भी बोलते हैं ना, कभी क्रीक वर्ड याद आ जाए, क्रीक मतलब भी सर्कस ही होता है। इन्होंने गोथिक कला से, मतलब गोथिक आर्ट से भी प्रेरणा ली।
इन्होंने कला शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। एम्स्टर्डम रहने के बाद वे अमेरिका चले गए, ठीक है। इन्होंने युद्धोत्कालीन अभिव्यंजनावाद का आचार्य कहा जाता है, ठीक है। देखो एक्सप्रेशनिज्म तो जुड़ गया, ठीक है, मास्टर ऑफ एक्सप्रेशनिज्म, हम उसको हम एडवर्ड मंक को बोलते हैं ना, हम बात करते हैं एक्सप्रेशनिज्म में, बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने। ये विसली कैंडिस्की की बात करें, पॉल क्लू की बात, सबको हमने पढ़ लग लिया। लेकिन अगर एक्सप्रेशनिज्म विथ वॉर आ जाएगा, है ना, तो वॉर के समय एक्सप्रेशनिज्म का जो मास्टर है वो मैक्स ब्रेकमैन थे, अग्रणी कलाकार थे। देखो नाइच रात, तो देखो आकृति को उनने भले एज इट इज चित्र किया, बट आप उसमें समझ पाएंगे कि हाउ एक्सप्रेशनिज्म, श्योरलिज्म, मतलब सब चीज़ का वो दिख रहा है, एक्सप्रेशनिज्म का एक अपना प्रभाव दिख रहा है कि उस तरह की जो ये युद्ध से ही रिलेटेड है, और युद्ध से रिलेटेड रात के नाम का चित्रण उनने किया है ऑयल ऑन कैनवास से है। आप इनके देखिए फिगर्स देखिए, किस तरह से उसको इन्हें प्रेजेंट किया है वो भी देखना, थोड़ा सा समझ आता है। द ब्रिज, द आयरन ब्रिज, सॉरी, ऑयल ऑन कैनवास, ये इस तरह का ब्रिज, देखो ब्रिज है, पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट वो है, बिल्कुल है, पर्सपेक्टिव थोड़ा गड़बड़ है जो भी, लेकिन व्हाट इज देयर मेन थीम कि आपको एक्सप्रेस करना है, तो इनने इसमें एक्सप्रेस कर दिया ये जो भी चीज़ आसपास है ना। तो आयरन ब्रिज मैक्स बेक में। फिर आता है डिपार्चर, ये ना एक ट्रैपेज है, ऑयल ऑन कैनवास है इनके द्वारा। ये थोड़ा सा ना जो क्या बोलते हैं, वॉर और पीस, है ना, वॉर की पीस, उनको दोनों को शांत अवस्था में बताया गया। देखो जैसे ये दिख रहा है आपको, एक लेडी को बांध रखा है, ये स्ट्रिप वुमन मैन खड़ा है, ये एक स्टिल लाइफ जैसी चीज है ना। तो ये एक डार्क पोर्शन है उसका, ठीक है। सिमिलरली इधर भी एक डार्क पोर्शन है, कैसे इधर एक लेडी बंधी है, ये उल्टा बंधा है, कोई इसको बांध रहा है यहाँ पे एक वो, है ना, ये देखो ये सर्कस का कैरेक्टर दिख रहा होगा आपको, तो ये बना हुआ। और यहाँ पे जो ब्लू स्काई है और इनसे एक शांति का एक, है ना, शांति का डायरेक्शन, डिपार्चर, समझ रहे, डिपार्चर मतलब एक डार्क से आप लाइट की ओर जा रहे हैं ना, प्रकाश की ओर, वो चीज है। तो ये शांति है पर ये डिस्टरबेंस है। वुमेन विथ मैंडोलिन, ठीक है, तो वुमेन विथ मैंडोलिन, गर्ल विथ मैंडोलिन पैब्लो पिकासो का है, याद रखना। बट कभी आ जाए कि न्यू ऑब्जेक्टिविटी में या एक्सप्रेशनिस्ट स्टाइल में वुमेन विथ मैंडोलिन किसका है, तो मैक्स ब्रेकमैन का है, याद रखना, है ना, क्योंकि पैब्लो पिकासो के वर्ड को गर्ल विथ वायलिन ऐसे करके बोला जाता है मोस्टली, है ना। तो ये है इन येलो एंड रेड, ये पूरा नाम अगर याद रखो, वुमेन विथ मैंडोलिन इन येलो एंड रेड। कितने वो लोग क्वेश्चन आएगा, अगर वर्क आएगा तो इसको आंसर पैब्लो पिकासो करेंगे, तो आप मत करना, ये आप देख लीजिए, ये वायलिन है और इस प्रकार से वुमेन इन कंप्लीटली एक्सप्रेशनिस्ट फॉर्म, है ना, आपको दिख रहा है डार्क कलर्स जिस तरह का यूज किया है ना, जो फेस है देखो, फेस कितने भयानक, थोड़ा सा भयानक जैसे भी दिखते हैं एक्सप्रेशन इसमें हम देखते हैं, है ना, तो वो एक सोरोफुल दुखी वाला, वो चीजें, वो एक्सप्रेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। क्वापी इन पिंक जंपर, ठीक है। क्वापी, क्वापी कौन है, ये इनकी मैक्स ब्रेकमैन की वाइफ का पोर्ट्रेट किया है इनने, सेकेंड वाइफ थी इनकी, यही रहती है क्वापी, है ना। तो ये पिंक जंपर में इस तरह का ऑयल इन कैनवास, ये एक वर्क है उनका। अब आते हैं ऑटोडिक्स, है ना, ऑटोडिक्स नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी के आर्टिस्ट हैं। इन्होंने आरंभिक कला शिक्षा ड्रेसडेन, ड्रेसडेन वही जर्मनी में ली है, तो सब जर्मनी से एसोसिएट है, कितनी बार इसका रिलेशन आ जाए तो आप थोड़ा सा आपको माइंड में रखना। यह प्रभाववादी चित्रण में कुशल थे, मतलब इम्प्रेशनिस्ट थे। इन्होंने 1914-18 के मध्य युद्ध का अनुभव किया, मतलब एक्सपीरियंस किया, युद्ध युद्ध देखा उनने इस समय यही। इन्होंने कटु यथार्थ को निर्दयता से चित्रित किया, जो रियलिटी है उसको। यह दादावाद से प्रभावित थे, इन्होंने मोन्टाज पद्धति का उपयोग किया, ठीक है। तो मोन्टाज टेक्निक जो कि हम डैडाइज्म में यूज किया, उसका भी यूज इन्हें किया। वॉर बुक, बहुत अच्छे से पेंटिंग भी है, और वॉर बुक के रचयिता कौन है, ऑटोडिक्स, आया है क्वेश्चन शायद, तो वॉर किसने लिखी है, ऑटोडिक्स या पेंटिंग का आएगा, जो भी उनका इंपॉर्टेंट वर्क है। इनके चित्रों में मानवाकृतियां भूत प्रेत के समान है, ठीक है, डरावनी भयानक,
इनने कंकाल जो आपके वो होते हैं ना कंकाल टीले, मृत शरीर लोथड़े युक्त बनाए हैं, समझ रहे, मतलब मृत कंकाल हैं एकदम, लेकिन उसमें लोथड़ा जो क्या फैट और ये मांस इनके युक्त बनाए हैं। चित्र में फोटोग्राफी समान यथार्थ है, रियलिटी कैसी, फोटोग्राफी जैसी। देखो ये है वॉर का, ड्रेसडन वॉर ट्रायपिच है, इस तरह का उन्होंने चित्रण किया है। इसमें जो फेसेस है बहुत भयानक हैं और एक रियलिस्टिक स्केच बनाया है उन्होंने। ये देखो थोड़ा क्लियर नहीं है। स्केट प्लेयर्स, ठीक है, ऑयल एंड कोलाजन कैनवस, ये फर्स्ट वर्क है जो इन्हें न्यू ऑब्जेक्टिविटी में बनाया था, है ना, ये आफ्टर इस चीज में, उस इनका न्यू ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब का फर्स्ट वर्क है द ट्रेंच ऑयल ऑन कैनवास। ठीक है, नन, देखो कितना भयानक रूप में नन बनाया है इन्हें, ऑयल ऑन कैनवास, ये लिखा हुआ है डिक्स। ठीक, अब आते हैं जॉर्ज ग्रॉस, अनदर न्यू ऑब्जेक्टिविटी इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट। इनकी कला यथार्थवाद के सामाजिक लोकप्रिय रूप को प्रस्तुत करती है, मतलब रियलिज्म के, है ना, उसके आर्ट के उसको प्रेजेंट करती है। इन्होंने भविष्यवादी कला से प्रेरणा ली, ठीक है, फ्यूचरिस्टिक से डायनेमिज्म, इन्होंने एक ही चित्र में विभिन्न घटनाओं को एक साथ चित्रित किया, तो एक ही चित्र में अलग अलग उसको डिवाइड किया। हाँ, इसी ने, सॉरी, एक ही घटनाओं को एक साथ चित्रित किया, मतलब सॉरी, विभिन्न घटनाओं को एक साथ चित्रित किया, उसी को यूज ऑफ ये साइमल्टेनियटी, साइमल्टेनियटी मतलब यही, विभिन्न घटनाओं को एक साथ ट्रेस करना, मूवमेंट मतलब तो फ्यूचरिज्म बताई है, तो ये चीज पे इनने काम किया। मोंटेज दादाइज्म का रेखाकृत के साथ भी समन्वय इनने किया। तो देखो स्ट्रीट सीन, ऑयल ऑन कैनवास, दिख रहा है किस तरह से काम किया गया है। मेट्रोपोलिस ब्यूटीफुल, ये किसके द्वारा है, जॉर्ज ग्रॉस द्वारा है। फ्यूनरल, ये फ्यूनरल है, ऑस्कर पेनिंजा एक इम्पोर्टेंट आर्ट हिस्टोरियन है कि पोएट है शायद, जो भी, तो उन पे डेडिकेट है उनके फ्यूनरल पे। तो देखो आप उसको किस तरह से उन्हें एलिमेंट्स को बताया है, भयानक फेस देखो कैसे, बिल्कुल भूतिया फेसेस और ये सब बना के, और उन्हें उनको ये कंकाल टीले दिख रहा है आपको ये सब, तो उन्हें उसको उनका फ्यूनरल नाम से बनाया है। ग्रे डे, देखो ये फेस से आपको डेडाइज्म का इंप्रेशन कुछ समझ आएगा, ठीक है, इस तरह से बिगाड़ना। एक्लिप्स ऑफ सन है ना, ये एक, ये भी वही हम बोलेंगे ना, ये एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं इसमें, तो ये पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रियलिटी जो है जर्मनी की, उसको शो किया है, जैसे इनके माध्यम से, कौन है हमारे आर्टिस्ट ने, ओटो डिक्स ने इसको, जैसे ये प्रेसिडेंट बैठे हैं, ठीक है, और ये सब जो है विदाउट फेस आपको लोग दिख रहे होंगे। सेकेंडली ये मतलब उनका एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये जो है डोंकी के उसमें आम जनता है, कि आप उनके सामने कुछ भी रख दो, इस तरह से वो सिंबॉलिक करना चाहते हैं। तो ये आपका हो गया लव सिकनेस, लव सिकनेस आपको वर्ड ही सब बता देगा कि किस तरह से, ये देखो कुत्ता है, ये सब एक्सप्रेशनिज्म के एलिमेंट्स हैं उनके, कि मतलब प्यार से जो भी परेशानी सिकनेस ये चीज उसमें आपको देखने को मिले। ठीक है, तो ये आपका न्यू ऑब्जेक्टिविटी जो छोटा सा ही था कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग जो देखने वाले हैं बहुत बड़ा टॉपिक, इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्यूबिज्म। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, दीजिए आप टाइम, तब तक आप लोग को जो पेंटिंग के वीडियोस आ रहे हैं प्लीज उस पर फोकस कीजिए, प्रैक्टिस सेशन के वीडियोस पे फोकस कीजिए, आजकल ऑलमोस्ट डेली वीडियो आ रहा है, तो प्लीज उस पर फोकस आप करिए, आपके लिए ही अच्छा होगा, वीडियो की नोटिफिकेशंस के लिए आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।